नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर से आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि हमारे जो भी कोविड रोगी है, घर पे है, आइसोलेशन में है, मध्यम लक्षण है, होम क्वारंटाइन है, या हो सकता है कोई लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी है, तो उन व्यक्ति को बहुत बार ऐसे कन्फ्यूजन होता है हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आसन तो बहुत है, तो हमें कम समय में अधिक लाभ कैसे मिलेगा, वो हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार की ओर से रोज हम अपने विभाग के चैनल पर ये वीडियो आपको प्रेषित करते हैं, ये आप बाद में भी देख सकते हैं, और कोई भी आपको समस्या हो तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। आइए, आपके लिए प्रेषित है क्या क्या हमें करना चाहिए। मन को तो सहज रखना ही है, कोविड होने के बाद किसी को कोई डरना नहीं है, भय से दूर रहना है, मन को सहज रखना है, अपने आहार, अपनी दिनचर्या आप 14 दिन के लिए बहुत अच्छी रखें, समय निकल जाएगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप डर गए तो आपका भय आपको आपके विकृत लक्षण आपके अंदर लाएगा, आपको डर को बहुत दूर रखना है, और ये रखने के लिए हम कुछ अपने तनाव को दूर करने के लिए हम सबसे पहले ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे। आप जो व्यक्ति बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठे, कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता है वो कुर्सी पर बैठकर करे, कोई व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता है तो लेटे लेटे भी आप मन को सहज कर सकते हैं। आइए हम 3 बार ओमकार का नाद करेंगे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, और जो कोविड रोगी है वो आप प्राण मुद्रा भी लगा सकते हैं। हमने अपने जो जो वीडियो होते हैं उसमें बताया जाता है किस प्रकार प्राण मुद्रा लगाना है, आइए फिर से एक बार बता देते हैं। हमारा अंगुष्ठ, हमारी कनिष्ठिका और हमारी रिंग फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को आपको स्पर्श करना है, और इंडेक्स फिंगर और मध्यमा फिंगर ये आपको सीधे रखने हैं। इस प्रकार रखते हैं तो हमारे प्राण शक्ति का विकास होता है। अभी हमें प्राण के साथ ही रहना है और प्राण शक्ति का विकास करना है, इसलिए प्राण मुद्रा भी आप लगा सकते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों के ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। आइए 3 बार ओंकार का नाद करते हैं। रीढ़ स्तंभ सीधा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पूरी प्रसन्नता, गहरा लंबा श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओमकार का नाद करेंगे। पुनः गहरा लंबा श्वास ली और श्वास छोड़ते हुए अ उ और म का नाद करेंगे। इस ओमकार के वाइब्रेशन को पूरे शरीर पर महसूस करें। इस ओम का नाद आप 3 बार, 11 बार, 21 बार अपनी क्षमता अनुसार जितना भी आप करना चाहे कर सकते हैं। रिलैक्स, इससे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे। आइए बैठे बैठे, लेटे लेटे, कुर्सी पर बैठे बैठे
हमारे फेफड़े के शक्ति का विकास करना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, उसके लिए हम पर्वतासन का अभ्यास करेंगे बैठे बैठे। कैसे करना है आइए, इस आसन में आप ऐसे भी बैठ सकते हो, पद्मासन में भी बैठ सकते हो। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे, जिससे हमारा डायफ्राम भी ऊपर जा रहा है, फेफड़ों का विकास हो रहा है। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। जब हम श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, आंखें कोमलता से बंद करते हैं और मनी मन अपनी प्रार्थना करना है, प्रभु से स्मरण करते हुए हमें कहना है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, हो रहा हूँ, मेरी काया निरोगी हो रही है, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना है। ऐसा ऑटो सजेशन, ऐसे अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको देना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। इस प्रकार आपको 10 बार हाथों को ऊपर लेके जाना है और 10 बार हाथों को नीचे लाना है। अपनी क्षमता अनुसार करना है, पर कम से कम इतना तो आपको करना ही है। रिलैक्स। अब बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे, लेटे लेटे आप हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमें करना है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अलग से वीडियो भी हमने अपने विभाग के चैनल पे डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ हम आपको कैसे करना है दोबारा बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड से आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं या प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। दाएं हाथ के दाएं अंगूठे से दाई नासिका बंद करना है, रीढ़ स्तंभ सीधा ही रखना है, चेहरे पर पूरी प्रसन्नता, और बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास लेना है। बाई नासिका को बंद करना है और दाई नासिका से श्वास छोड़ देना है। दाई नासिका से श्वास ले, दाई नासिका को बंद करें और बाएं से श्वास छोड़ दे। ऐसा एक चक्र हुआ है, पुनः देखिएगा। बाएं से लेना, दाएं छोड़ देना, दाएं से लेना, बाएं छोड़ देना। ऐसे आप 5 चक्र कर सकते हैं। इसमें आप जैसे श्वास लेने के बाद थोड़ा पॉज भी कर सकते हो, क्षण भर रुक भी सकते हैं और फिर श्वास छोड़ सकते हैं। अब आप में से बहुत से साधकों की, बहुत से जो कोविड रोगी हैं, उनको ये समस्या होगी कि उनके नासिका ब्लॉक होगी, हो सकता है उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। तो उनके लिए मैं सहजता से बता रही हूँ कैसे करना है। आपको सिर्फ नासिका से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ देना है, ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, नासिका से गहरा लंबा श्वास लिया, यानी आपने इनहेल किया जिससे आपके फेफड़ों का शक्ति का विकास हुआ, और श्वास मुंह से छोड़ देना है। कैसे करना है, नासिका से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है किसी कोविड रोगी को श्वास लेने में कठिनाई आ रही होगी, तो आप नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ऐसे आप 10 राउंड कर ले, फिर दोपहर को कर ले, फिर शाम को कर ले, जिससे आपके फेफड़ों का विकास होगा, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ते जाएगा और आप भयमुक्त हो जाओगे। इस प्रकार आप अनुलोम विलोम का 5-5 राउंड करें, 5 मिनट करें, सुबह 5 मिनट,
दोपहर को और शाम को। अब हम लेटे लेटे क्या कर सकते हैं, आइए हम लेटकर भी आपको कुछ बताते हैं जिससे हमारे कोविड रोगी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। आइए अपने स्थान पर लेट जाए। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लें, दोनों हथेलियां अपने बगल के पास ही रखें या एक हथेली अपने नाभि पर रखें। अब आपको लेटे लेटे गहरा लंबा श्वास लेना है, पेट को फुलाना है, श्वास छोड़ना है, पेट पिचकाना है। पैर आपके नितंब के पास स्पर्श होंगे। गहरा लंबा श्वास ले, पेट फुलाए, श्वास छोड़े, पेट पिचकाए। इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से आपकी डायफ्राम मसल्स भी एक्टिवेट हो रही है और डायफ्राम मसल्स को लगे हुए आपके फेफड़ों का शक्ति का विकास हो रहा है। पूरा श्वास ले, पेट फुलाए, श्वास छोड़े, पेट पिचकाए। इस प्रकार लगातार आप उदर का श्वसन कर रहे हैं। आप पैर घुटने से नहीं मोड़ सकते तो पैरों को सीधा करके भी आप श्वास ले, श्वास छोड़े। पूरा श्वास लिया, पेट फुला, श्वास छोड़ा, पेट पिचका। इस प्रकार आप लेटे लेटे आपको कितनी देर करना है, आपको 10 राउंड किए, 10 राउंड ऊपर, 10 राउंड नीचे। इस प्रकार आपको उदरीय श्वसन करना है। रिलैक्स। अब हम लेटे लेटे ही दूसरी क्रिया करने जा रहे हैं जिससे आपके ऑक्सीजन लेवल का बढ़ जाना निश्चित है। कैसे करना है? श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और उसी वक्त हमारे दोनों पैरों के पंजों को नीचे की तरफ खींचेंगे। इससे हमारा पूरा डायफ्राम, हमारा लंग्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। देखो, फिर से देखो कैसे करना है। श्वास ले, हाथों को पूरा ऊपर खींचना है, पंजों को नीचे की तरफ खींचना है। इससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सही हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पुनः करेंगे श्वासों के साथ। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ऐसे आप 10-10 बार हाथों को या जब जब समय मिले आप ऐसे करें और आपका निश्चित श्वसन संस्थान सही हो जाएगा। रिलैक्स। बाईं करवट ले, उठकर बैठे। ये था एक आपको छोटा सा पैकेज, क्योंकि कोविड रोगी का सबसे पहले आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। तो हमने कोशिश करी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम सही हो जाए और आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। आपके जल्दी स्वस्थ होने के लिए आप निश्चित योग करोगे, लाभ पाओगे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपके स्वस्थ होने की शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।